हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट की तरफ से आ चुकी सीधी भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 1800 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन और साथ में आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी लोग आने वाली 31 जुलाई 2023 तक आप लोग घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के अंदर फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। आवेदन करने से पहले कुछ बातों का समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपके मन में होगा, क्या यह वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। तो यहीं पे आपके डाउट क्लियर कर देता हूं कि यह भर्ती कोई सरकारी नौकरी नहीं है। जिनको जॉब की अति आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, एयरपोर्ट के अंदर जॉब कर सकते हैं, केवल वही कैंडिडेट आवेदन करें। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या यह भर्ती फ्रॉड है या रियल है, तो आपको बता दें भारतीय एविएशन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका एयरपोर्ट से टाई अप होता है। ये वैकेंसी जो है तो निकालते हैं, एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और जब किसी को सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं तो उनको जिन एयरपोर्ट से इनका टाई अप होता है उनको जो है तो भेज दिया जाता है एयरपोर्ट के अंदर। तो कुल मिलाकर इनका काम केवल इतना है कि ये आपका जो है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और आपका जब चयन कर लेंगे तो जिन एयरपोर्ट के साथ इनका टाई अप है वहां पे आपको जो है तो जॉब पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक प्राइवेट जॉब है, जिनको अभी काम चलाने के लिए 15-20 हजार या 30 हजार रुपए तक वेतन चाहिए, सैलरी चाहिए और जल्दी सिलेक्शन पाके जॉब चाहिए, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो इस जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कहां से लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन फीस क्या, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्टें रहेंगी, बाकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और आगे आने वाली सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। आइए एक झलक नोटिफिकेशन की तरफ देखते हैं, उसके बाद आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन है, आप लोग देख सकते हैं भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेट्स के बारे में बात करें, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 31 जुलाई 2023 की है, जो कि एक्सटेंडेड है यानी कि बढ़ा दी गई है। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग एग्जामिनेशन फीस की आखिरी डेट है 20 अगस्त 2023 की, यानी कि आवेदन आप लोग 31 जुलाई तक कर सकते हैं और फीस पेमेंट 20 अगस्त तक कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन को कंप्लीटली ओपन करेंगे, जहां पे आपको दो तरह की पोस्टें मिलेंगी, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की और लोडर हाउसकीपिंग की। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए आपका इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना कंपलसरी है और जो लोडर हाउसकीपिंग है उनके लिए हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास होना कंपलसरी है। दोनों का वेतन यहाँ पे है और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितनी चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में बाद में आपको बताएंगे, पहले थोड़ा सा इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है जो वैकेंसी को जारी किया है, भारतीय एविएशन सर्विसेज नाम से है। 1805 पोस्टें हैं, पोस्ट आपको दो तरह की मिलेंगी, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की और लोडर हाउसकीपिंग की। इसके बाद यहाँ पे देखे ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है, अक्रॉस इंडिया भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी उम्र है जो की कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और अधिक से अधिक 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अप्लीकेशन फीस को समझिएगा, यहाँ पे आपकी पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फीस लगेगी, ना कि कैटेगरी वाइज, यानी कि यहाँ पे पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फीस आपको देना होगा। अगर आप लोग 12वीं पास हैं, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए आवेदन करेंगे तो 430 रुपए और अगर आप लोग 10वीं पास हैं, लोडर हाउसकीपिंग की पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो 380 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में देना होगा। यह वैकेंसी भारत के सभी राज्यों के लिए है, आप लोग चाहे किसी भी राज्य से आते हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं, राज्यों के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम वेतन की बात करते हैं जो कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए 15 से लेकर 30 हजार रुपए पर मंथ का आपको दिया जाएगा और लोडर हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 13 हजार से लेकर 20 हजार रुपए आपको हर महीने का दिया जाएगा। उसके बाद देखें क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट और एक पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आवेदन करते समय, इसको देखें। आपका चयन सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम के बेस पे होगा,
इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी होता है जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है ए और बी, और साथ में इसके बाद क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू की प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, ऑलरेडी फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023 की। इसके बाद देखें यहाँ पे आपको सभी के सभी इंपोर्टेंट लिंक मिलेंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहीं पे दिया गया है। अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाएं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह है भारतीय एविएशन सर्विसेज की ऑफिशियल वेबसाइट। इनका काम है एयरपोर्ट के साथ टाई अप करके और जॉब पोस्टिंग का नोटिफिकेशन आउट करना और बच्चों को सेलेक्ट करके एयरपोर्ट को दे देना। जैसे इंडिगो के अंदर जॉब पोस्टिंग हो सकती है, एयर इंडिया के अंदर जॉब पोस्टिंग हो सकती है, जितने भी एयरपोर्ट है और उनको जो है तो ये जो है तो कंडक्ट करके वैकेंसी दे देते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिंक, यहाँ पे भी आपको आवेदन करने का मिल सकता है बहुत ही आसानी से। आप लोग यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई का वीडियो भी है, कैसे आप लोग आवेदन करेंगे, हिंदी में अगर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना वो भी है और इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आइए हम लोग अपने इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अभी देख सकते हैं 31 जुलाई आवेदन करने की आखिरी डेट है। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर डाउनलोड करें। 1063 पोस्टें हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की और लोडर हाउस कीपिंग की 742 पोस्टें हैं। यह वैकेंसी फेक नहीं है, प्रोसेस में डिले हो सकता है। जो ये एविएशन सर्विसेज कंपनी है इसका काम केवल और केवल वैकेंसी निकालना है और एयरपोर्ट को हैंडओवर कर देना है जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो उनका टाई अप होगा उसके हिसाब से। अभी देख सकते हैं केवल और केवल आपको ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा।